दोस्तों सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के लिए देश विदेश हर जगह सुर्खियों में रहते आए हैं। इस साल भी वो अपना एक नया गाना रिलीज करने वाले थे, मगर वह अपने सॉन्ग को रिलीज कर पाते से पहले ही सिद्धू इस दुनिया को छोड़ चल दिए। गम में डूबे परिवार का उनके इस नए गाने की ओर अभी ध्यान भी नहीं गया था कि उससे पहले छोटू ने उनका इस गाने को चुरा कर अपने नाम से रिलीज कर दिया, जिसके बाद जॉन इब्राहिम का चोरू पर जमकर फूटा गुस्सा। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई को भी लिया आड़े हाथों डेढ़ डाली धमकी। दोस्तों आइए बताते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला अपना एक सॉन्ग इस साल रिलीज करने वाले थे। उनका परिवार सिद्धू की मौत से गम से उभरा भी नहीं था कि कुछ चोरों ने सिद्धू की मौत का फायदा उठाकर उसके सॉन्ग को अपने नाम पर पब्लिश कर दिया, जिसके बाद जॉन इब्राहिम ने लॉरेंस बिश्नोई समेत सभी चोरों को लिया आड़े हाथों। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला इस साल SYL करके इस गाने को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन वह गाना रिलीज कर पाते उससे पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों जैसे इस बात की भनक सिद्धू के परिवार वालों को लगी तो उन्होंने फैसला किया कि हम सिद्धू के इस गाने को 23 जून को शाम 6 बजे सिद्धू के ऑफिशियल अकाउंट से पब्लिश करेंगे। साथ ही उन्होंने गुजारिश भी की कि चोर पर प्रशासन फौरन एक्शन ले। तो सिद्धू के चाहने वाले सभी लोग इस गाने को शाम 6 बजे सिद्धू के ऑफिशियल अकाउंट पर देखना सुनना ना भूलें। दोस्तों आपको बता दें सिद्धू की शोहरत से कई लोग जलते हैं, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का भी नाम शामिल है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गाना चोरी करने के पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई व उसके गैंग का हाथ रहा होगा, उसने ही इस कुकर्म को अंजाम दिया होगा। ऐसे में जॉन इब्राहिम का बड़ा बयान सामने आ रहा है। जॉन इब्राहिम ने जिन लोगों ने गाना चोरी करा उन लोगों को लताड़ लगाई, साथ ही इन सब के पीछे मुख्य जिम्मेदार लॉरेंस बिश्नोई को ही माना। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं इसका हाथ इसमें रहा होगा। साथ ही कहा पुलिस इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई सख्ती से पूछताछ करे, इस कांड के पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई उसके गैंग का ही हाथ रहा होगा। साथ ही जिन लोगों ने गाना चोरी करके पब्लिश किया उनको भी लाइन हाजिर करते हुए जॉन इब्राहिम ने कहा तुम असली मर्द हो ही नहीं सकते जो इतनी नीच हरकत करते हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो तुम इस तरह की हरकत नहीं करते। साथ ही जॉन इब्राहिम ने परिवार को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप धन्य हैं कि आपके बेटे ने इतनी छोटी उम्र में करोड़ों लोगों का इतना प्यार कमाया। साथ ही मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि सिद्धू मूसेवाला के सभी हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सिद्धू के परिवार के साथ जल्द से जल्द न्याय किया जाए। सिद्धू लीजेंड्स है, उसके गाने अपने आप में ही वन पीस है। लीजेंड्स कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों आप जॉन इब्राहिम के इस बयान पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पब्लिक इन्फ्लुएंसर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।